प्रदेश के इंदौर शहर में सोमवार सुबह विजयनगर क्षेत्र में स्थित 5 मंजिला गोल्डन गेट होटल में अचानक आग लग गई। आग की खबर लगते ही होटल में अफरा तफरी मच गई। आनंद फानंद में कई लोगों को बाहर निकाला गया है। वहीं पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल लगातार आग को बुझाने का प्रयास कर रही है। होटल में कई लोगों के फंसे होने की खबर भी है। फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग कैसे लगी। आग का धुआं दूर दूर तक देखा जा सकता है। होटल में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। आग इतनी भीषण है कि इसे बुझाने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। पूरे इलाके में धुआं फैल गया है। समीपवर्ती क्षेत्र में लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कुछ लोगों के अंदर फंसे होने की सूचना भी सामने आ रही है। सूचना मिलने के बाद 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। लगातार लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आग सामने से लगी है, इसके चलते पीछे से होटल से सटी इमारतों से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि होटल का ज्यादातर हिस्सा लकड़ी से बना हुआ था। इसकी वजह से यह आग बहुत तेजी से फैल गई। कुछ ही देर में पूरी इमारत में यह फैल गई। अभी सिर्फ आगे के हिस्से में ही आग पर काबू पाया जा सका है। होटल से लगी दूसरी इमारतों को भी खाली करवा लिया गया है। आग की लपटें होटल में नीचे से ऊपर तक फैल गई है।